Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I am Miss Roxana, physics subject teacher. Today we'll discuss the chapter properties of matter, unit 7, the page number 157. The two lectures are delivered in last 2 weeks about the properties of matter. Today I will give you a brief explanation of this chapter, and you will do the MCQs and solve the numericals. The matter, what is matter? Anything which occupies space and have a mass is known as matter. The matter is made up of very small particles known as atoms. And the states of atoms, matter is solid, liquid and gas due to the arrangement of these atoms. The water is a good example of three states of matter. The water, it is a liquid form. When water is freeze, is converted in cubes, that is solid states. And water is heat, the steam is the gas states. Gas states and matter has a three states, solid, liquid and gas, and water is the example of these solid, liquid and gas. Melting, boiling and condensing and freezing points, what are these? Melting point ke conversion from solid to liquid, like when ice is melt, it becomes water. So this is the melting point, boiling point, conversion from liquid to gas, boiling and condensing kya hai, conversion from gas to liquid, freezing kya hai, conversion from liquid to solid. The example is liquid to solid is ice. Evaporation, conversion from liquid to gas. Evaporation जो है आम टेम्परेचर पे भी होता है. अक्सर आपने देखा होगा कि अगर वो पानी बाहर प्लेट में रहे, कपड़े जो गीले डाले जा गीले जो होते हैं वो सूख जाते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर्स में, वाटर वेपर्स में, और इसे हम एवेपोरेशन कहते हैं. यू हैव लर्न ऑल दिस थिंग बिफोर. द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, यू कैन सी दिस. ये देखें सॉलिड में किस तरह तमाम एटम्स जो हैं वो क्लोज हैं, और इसी वजह से द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे हैव द डेफिनेट शेप्स एंड लिटिल स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स इन लिक्विड, और दिस इज द लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स. एंड इन गैस द मॉलिक्यूल्स आर स्कैटर्ड. यू हैव ऑब्जर्व दीज थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ये तो आपको टीचर ने पहले बता दिया है कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की प्रॉपर्टीज़ क्या है और ये सब क्या है. मैं जो है टुडे जो है आई विल हेल्प यू टू डू द एमसीक्यूज ऑफ दिस चैप्टर. दिस इज द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. नंबर वन इज एन ऑब्जेक्ट विद पार्टिकल्स क्लोज टूगेदर एंड वाइब्रेटिंग, डिस्क्राइब. अच्छा देखिए, जो एटम्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, जो सॉलिड के उसमें थोड़ी सी मूवमेंट होती है, लेकिन सॉलिड में क्या होता है वो सिर्फ वाइब्रेट कर रहे होते हैं, और लिक्विड में वो लिटिल मूव कर सकते हैं, इसीलिए उनकी दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप बट हैव अ वॉल्यूम. तो अब सॉलिड इसमें उन्होंने पूछा है कि वो जो है ना पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, वाइब्रेट करते हैं, तो वो कौन सी स्टेट हो गई. अब इसमें थ्री स्टेट दी हुई है, गैस, लिक्विड, सॉलिड एंड ऑल थ्री. तो अब सॉलिड में आपको बताया कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं सिर्फ अपनी जगह पर, दे कैन नॉट मूव ईजिली. तो ये जो है इसके बाद सेकेंड वन इज अ बर्निंग कैंडल इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डैश स्टेट ऑफ मैटर, गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड ऑल थ्री. देखिए कैंडल जो है वो क्या है, पहले इसकी कंडीशन क्या है, सॉलिड होती है, जब वो इसको बर्न करते हैं तो पिघलने लगती है, तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और इसके साथ साथ उसमें स्मोक भी निकलता है. तो दीज जो है थ्री स्टेट जो है वो किस में होगी, कैंडल शोज द थ्री स्टेट्स. लाइक
वाटर शोज द थ्री स्टेट्स सॉलिड लिक्विड एंड गैस. कैंडल इज ऑल्सो बर्निंग कैंडल ऑल्सो शोज द थ्री स्टेट्स सॉलिड लिक्विड एंड गैस. नाउ थ्री इज ड्यूरिंग विच प्रोसेस अ गैस बिकम अ लिक्विड. अब हेयर आर द ऑप्शंस मेल्टिंग फ्रीजिंग कंडेंसिंग एंड बॉइलिंग. मेल्टिंग क्या है, जब सॉलिड कन्वर्ट होता है किसमें, लिक्विड में. फ्रीजिंग क्या है, जब लिक्विड कन्वर्ट होता है सॉलिड में. और कंडेंसिंग क्या है, जब गैस जो है कन्वर्ट होता है उसमें गैस कन्वर्ट होता है लिक्विड में. और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जब लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में. तो हेयर आर फोर ऑप्शन. अब आपको भी बता दिया कि गैस जब बिकम हो जाती लिक्विड में तो किस में होता है वो कौन सी कंडीशन होगी, वो कंडेंसिंग है. या फोर मैंने आपको पहले समझाया था कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है, जब सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में, ठीक है. और फ्रीजिंग क्या है, जब लिक्विड कन्वर्ट होता है सॉलिड में. और कंडेंसिंग क्या है, जब गैस जो है जो कन्वर्ट होता है किसमें, लिक्विड में. बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जब देखिए पानी को हम बॉइल करते हैं तो किसमें, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है. तो अब यहाँ चार ऑप्शन थे. तो अगर हम ये चारों ऑप्शन हमें मालूम होंगे तो हम फौरन इसका आंसर दे सकते हैं कि जो है ये क्या है, इसका आंसर कंडेंसिंग है. नंबर फोर इज अ सॉलिड कैन हैव फिक्स्ड शेप बी इजीली कंप्रेस टेक शेप कंटेनर हैव फ्रीली मूविंग मॉलिक्यूल्स. तो अब आपको बताया है कि सॉलिड के क्या मैंने आप बताई थी, मैंने सॉलिड को बताया था कि सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप एंड, या आप पढ़ चुके हैं कि सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. जिस तरह ये पेन है या बुक है, इसकी एक शक्ल है, इसकी शेप है. तो ये इनकी शेप्स होती है क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वेरी क्लोज टू ईच अदर होते हैं. तो इसलिए जो है, और इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होती है. तो सॉलिड जो है वो किसी भी जगह रखे कंटेनर में कि तो वो हमेशा उनकी शक्ल क्या होगी, वो फिक्स्ड ही रहेगी. नंबर फाइव इज अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी द प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ गैस कॉज्ड बाय द, अब जो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में क्या बताया गया है आपको, कि मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या कहते हैं, मूव करते हैं, मोशन होता है इन थ्री स्टेट. फिर उसमें जो है सॉलिड में दे वाइब्रेट करते हैं और लिक्विड में स्लाइटली मोशन होता है. और इसमें क्योंकि इजीली मूव करते हैं तो अगर किसी कंटेनर में होगा तो क्या होगा, प्रेशर देने से क्या होगा, बम्बार्डमेंट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. दिस इज द करेक्ट है. कॉलिजन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, और कॉलिजन भी एक दूसरे टकराते हैं. लार्ज डिस्टेंस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल, अब उसमें लार्ज डिस्टेंस रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल. तो अब इसमें जो है उसमें क्या होता है कि अब कॉलिजन दूसरे से टकराते हैं और एक्चुअली उसमें क्या होता है, दीवारों पर उनका प्रेशर बढ़ता है. इफ सिक्स है, इफ गैस इज हीटेड इन अ सील सिलेंडर देन डैश इंक्रीज, अगर उस पर होता क्या था प्रेशर, ऑप्शन क्या दिए गए, प्रेशर इनसाइड द कंटेनर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, टेम्परेचर ऑफ द गैस. तो अगर उसमें जो है अगर प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, वो प्रेशर बढ़ेगा उसमें, काइनेटिक एनर्जी भी इसमें पार्टिकल्स की होगी, और क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ द गैस भी उसमें जो है वो रहेगा. तो इसमें क्या है आंसर, इसका क्या होगा, ऑल ऑफ देम. नाउ सेवन इज अ गैस इन अ कंटेनर ऑफ फिक्स वॉल्यूम इज हीटेड, व्हाट हैपेंस टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस. जब किसी उसमें कंटेनर में गैस होगी उसको हीट करेंगे तो क्या होगा, नंबर पहला है द कोलाइड लेस फ्रीक्वेंटली, दे एक्सपेंड, दे मूव फास्टर, दे मूव फर्दर अपार्ट. तो वो क्या है, या तो कोलाइड करेंगे, एक्सपेंड होंगे, बढ़ेंगे या मूव करेंगे. तो क्या होगा, उनकी मूवमेंट जो होती है वो क्या, कंटेनर में अगर उनको हीट की जाए तो उनकी मूवमेंट जो होती है वो बढ़ जाती है. इसके बाद है नंबर एट, इन लिक्विड सम एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स ब्रेक फ्री फ्रॉम द सरफेस इवन व्हेन द लिक्विड इज टू कोल्ड फॉर बबल्स टू फॉर्म. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोसेस.
जिसमें मैंने जो सरफेस से मॉलिक्यूल्स ब्रेक होके जाने लगते हैं वो प्रोसेस जो है उसका आंसर है एवेपोरेशन। नंबर वन नाइन है व्हाट हैपेंड टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस व्हेन द गैस चेंजेस इनटू लिक्विड। तो क्या होगा जब वो लिक्विड में चेंज होगा तो क्या होगा, दे मूव क्लोजर एंड लॉस एनर्जी। जब वो उसका आप करेक्ट फोर ऑप्शन है यहाँ पे, दे मूव क्लोजर एंड गेन एनर्जी, दे मूव अपार्ट एंड लॉस एनर्जी, दे मूव अपार्ट एंड गेन एनर्जी। देखिए उसमें जो है मॉलिक्यूल जो होते हैं क्या होते हैं, जब उसको जो लिक्विड में चेंज होगी तो जाहिर है वो क्लोजर होंगे और क्या करेंगे, जब उसमें चेंज होंगे तो वो क्या एनर्जी लॉस करेंगे। इसके बाद एक लास्ट वाला है, अ सब्सटेंस हैज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ -70 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 170 डिग्री सेंटीग्रेड, इन विच स्टेट डज द सब्सटेंस एग्जिस्ट एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एट 110 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखें अगर यहाँ पे उसमें कहा है कि अगर एक वो जो है सब्सटेंस जो है -70 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसके मेल्टिंग पॉइंट या 170 डिग्री उसका वॉल्यूम, तो यानी इस टेम्परेचर से कम पे वो जो होगा क्या होगा वो सॉलिड होगा और इस टेम्परेचर से कम पे क्या होगा वो लिक्विड होगा। अब यहाँ पे देखें फोर ऑप्शन है, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड और गैस। तो वो क्या है, तो सही ऑप्शन इसमें क्या है, सॉलिड है, क्योंकि इतना कम टेम्परेचर है -10 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे उन्होंने कहा था कि वो मेल्ट हो रहा है किस पे, -70 डिग्री सेंट, तो इससे कम टेम्परेचर पे क्या होगा वो सॉलिड हो जाएगा, और इसी तरह इससे कम जो बॉइलिंग पॉइंट है तो इससे कम टेम्परेचर पे क्या होगा वो रिमेन लिक्विड। तो सही ऑप्शन इसका ए है, सॉलिड एंड लिक्विड। अच्छा आई होप के यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द MCQs। नाउ आई विल गाइड यू टू सॉल्व द फर्स्ट वी डू द एग्जाम्पल्स पेज नंबर 168। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज अ सिलेंडर कंटेन 60 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एयर एट अ प्रेशर ऑफ 140 kPa। वॉट विल इट्स वॉल्यूम बी इफ द प्रेशर ऑन इट इंक्रीज 240 degree किलो पीए। दिस इज अ पीए, पास्कल्स का ही है ये। तो अब सॉल्यूशन में क्या होता है कि सबसे पहले जो है हम डेटा लिखते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप जो होगा वो हमारा डेटा होगा। एंड व्हाट इज डेटा, डेटा इज द वी नोटिस द गिविन अमाउंट एंड रिक्वायर्ड अमाउंट। अब गिविन अमाउंट क्या है, ये प्रेशर है पहला 140 kPa, तो जिसे हम P1 करेंगे, और इसके अलावा जो है इसमें जो है प्रेशर वॉल्यूम जो वह वाट वी वॉल्यूम हमें मालूम करना है V2 का, और इसमें जो है वॉल्यूम V1 जो है वह कितना है 140 है, और प्रेशर कितना है इसमें वो है 60 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब ये दो चीज़ें ही दी गई हुई हैं, P2 भी दिया हुआ है, यानी अब प्रेशर दूसरा जो है कितना है 420 kPa है, मालूम करना है हमें V2। द नेक्स्ट, अब जो हमें गिविन डेटा मिलता है उसी की हेल्प से हम जो है फॉर्मूला लिखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज डेटा एंड सेकंड स्टेप इज टू राइट द फार्मूला। द फार्मूला इज, क्योंकि इसमें P1 V1 और P2 V2 दोनों हैं, तो हम यही वाला फार्मूला लिखेंगे, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब हमें क्योंकि V2 मालूम करना है, तो जब हम V2 दर निकालेंगे तो PV जो है P2 नीचे आ जाएगा और P1 V1 जो है ऊपर आ जाएगा। हमने ये वैल्यूज इसमें पुट कर दी, 140 मल्टीप्लाई बाय 60 अपॉन 420, और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा आंसर आएगा वो 20 क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा। द सेकेंड एग्जाम्पल इज एयर एट अ प्रेशर ऑफ 1.0 × 10³ pa इज कंटेंड इन अ सिलेंडर फिटेड विथ अ पिस्टन। द एयर इज नाउ कंप्रेस बाय पुशिंग द पिस्टन सो दैट द सेम मास ऑफ एयर नाउ ऑक्यूपाइज ऑन फिफ्थ द ओरिजिनल वॉल्यूम विदाउट एनी चेंज द टेम्परेचर। कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द एयर।
अब यहाँ पे भी जो है हम पहले क्या मालूम करेंगे, जो गिवन वैल्यूज हैं उनको हम डेटा की सूरत में लिखेंगे। तो अब पहला जो है उसमें है P1 जो यहाँ दिया हुआ है 1.0 वन पॉइंट और मल्टीप्लाई बाय 10^3 PA। इसके बाद है V1 जो है V1 भी जो है दिया गया है इसमें V1 क्यूबिक सेंटीमीटर वी, और दूसरा है V2 जो है 1/5 V1 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हमें इसमें क्या मालूम करना है, हमें इसमें मालूम करना है प्रेशर। तो P1V1 इज इक्वल टू P2V2। अब P2 को हमें क्योंकि प्रेशर हमें मालूम करना है तो हमने ये ऊपर लिख दिया, ये 1/5 है जो V2 है, क्योंकि वो V2 जो है V1 का 1/5 वॉल्यूम है। ठीक है, यहाँ गिवन है कि 1/5 है। अब इसमें जो है हमने इसको इसी तरह की वैल्यूज रख दी 1/5, इसको इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिएगा उसके बाद हम इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 1/5 को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये 5/1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद इसको जब हमने मल्टीप्लाई करा तो ये हमारी ये वैल्यू आ गई। ठीक, 10^3, अब ये 5 लिखा, 3 ये 5 3 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब, अच्छा ये 5 है, यहाँ पे 10^5 हो जाएगी। हाँ 10^5 है, 10^5 है। ठीक है, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स आपके गिवन हैं वो आपके इस चैप्टर के हिसाब से हैं जो मैं इसमें करवा रही हूँ। पेज नंबर है 175, 178 और 9। पेज नंबर 175 द न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन नंबर इज 7, द प्रेशर ऑन 19 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस इज डबल्ड एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, व्हाट विल इस वॉल्यूम बिकम। अब प्रेशर इसमें गिवन है और हमें वॉल्यूम इसमें मालूम करना है। व्हाट इज डेटा, P1 इज इक्वल टू P1, P2 इज इक्वल टू P1, V1 9 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड V2 हमें मालूम करना है। वर्किंग फार्मूला क्या है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब यहाँ पे P1 जो है वो 9 क्यूबिक सेंटीमीटर है और इसका जो है ऑक्सीजन जो है डबल है, तो ये हो जाएगा 2P1 और V2। यहाँ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर है, यह हमने V1 की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी, P2 की वैल्यू 2P1 है और ये इसकी V2 है। और जब हमने इन दोनों को वैल्यूज को लिखा है तो क्या हो गया, 9/2 आ गया। P1 से P1 हम यहाँ जो है 2 को जब इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 क्यूबिक सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। द नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका, ए कंटेनर होल्ड 30 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर एट अ प्रेशर ऑफ 1,50,000 PA, PA जो है वो पैस्कल्स है। इफ द वॉल्यूम चेंज टू 10 क्यूबिक मीटर बाय डिक्रीजिंग लोड ऑन द पिस्टन, व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द गैस बिकम्स, एज्यूम दैट इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अब P1 कितना दिया हुआ है इसमें, 150,000 PA, P2 हमें रिक्वायर है, V1 30 क्यूबिक मीटर है और V2 जो है 10 क्यूबिक मीटर है। दीज आर द गिविन वैल्यूज विच आर गिविन इन द क्वेश्चन एंड रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड जो है हमें प्रेशर मालूम करना है। अब इनकी वैल्यूज इसी तरह हमने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले के बाद जो है हमने इनकी वैल्यूज इसमें पुट कर दी और इसके बाद जो है हमने इन वैल्यू को जब पुट कर दिया तो P2 को जब हमने इधर लिख दिया तो 10 को से डिवाइड कर दी तो सिंपली ये जो हमारा ये आंसर आ गया है 45,000 हो जाएगा, 4,50,000 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्यूबिक मीटर हमारा इसका आंसर आ गया। इसके बाद जो है थर्ड जो है, एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इज ट्रैप इनसाइड अ कंटेनर, व्हेन द पिस्टन इज पुल्ड आउट
slowly so that the volume that is measured from 100 cubic decimeter to 150 cubic decimeter, the temperature remains constant. What will be the pressure of the air becomes? अब सिंपली इसी तरह इसमें हम ये करेंगे कि जो गिविन वैल्यूज हैं वो डेटा की सूरत में लिख ली. P1 760 है, P2 रिक्वायर्ड है, V1 और V2 क्या है, 100 क्यूबिक डेसीमीटर और 150 क्यूबिक डेसीमीटर. अब सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ फार्मूला पुट कर दिया है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, और यहाँ इनकी 760 मल्टीप्लाई बाय 100 वैल्यू लिख दिया है, और इसी की तरह प्रेशर की जगह हमने यहाँ पे लिख दिया है 150, और P2 हमें मालूम करना है, ये इसकी वैल्यू लिख दी. अब P2 कितना यहाँ पे लिख दिया, यहाँ इसकी वैल्यू जब हम इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 76,000 हो गया, और अपॉन 150, जीरो से जीरो को कैंसिल कर दिया, और इस तरीके से जब हमने इसे डिवाइड किया तो हमारी वैल्यू ये आ गई 506.66 क्यूबिक डेसीमीटर. तो टुडे वी विल सॉल्व द MCQs एंड न्यूमेरिकल्स. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड बोथ थिंग्स, एंड क्वेश्चन आंसर आर गिवन इन द चैप्टर. यू विल डू आफ्टर reading or learning the chapters which will explain before. You will do the questions of this chapter, like define the matter and how many states of matter are there. Now second question, in term of changes of the state of matter, define melting point, boiling point, condensing and freezing, freezing and evaporations, and write the kinetic molecular theory of matter. These are the question you will do, and write down the properties of solid, liquid and gas. Answer from this chapter. There are three states of first you explain or define the matter. What is matter? Matter is matter, anything which occupies space and have a mass is known as matter, and matter is made up of tiny particles known as atom. Or there are three states of matter. These states are solid, liquid, gas. All material objects around the belong to any one of these states. Water is the best example of थ्री स्टेट्स. ठीक है, इसके बाद जो है जो डेफिनेशन लिखी हुई है मेल्टिंग, बॉयल, कंडेंसिंग, फ्रीजिंग एंड एवोपरेशन की, यू मे राइट हियर. और एवोपरेशन इज अ प्रोसेस, यह लिख लीजिए. इसी तरह मैटर की जो है डेफिनेशन ही लिखी हुई है, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स और ग्रुप ऑफ एटम्स कॉल मॉलिक्यूल्स. दीज मॉलिक्यूल ऑलवेज कंटिन्यूस रैंडम मोशन. दिस इज जो है जो इसके लिए आप जो लिखेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है उसमें आप पहले लिखेंगे, क्योंकि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है वो किससे ताल्लुक रखती है, मोशंस ऑफ एटम से. और इसके देखिए लास्ट में समरी में इसके कुछ पॉइंट्स हैं, आप उसमें से लिख सकते हैं. Like this, the kinetic molecular theory is based upon the arrangement and movement of molecules in a substance. The kinetic molecular theory suggests that the molecules in a substance are always continuous random motion. When molecule close to each other, the attractive force between them become strong. The change in force between molecules may be causes the change of states. These are the four points you may write in kinetic molecular theory. First you write the this definition, then write the these points which I have told you, and write the properties of solid, liquid and gas. Here are some points. The number one, solids ke liye dekhiye, yeah, the force of attraction between the particles are very strong. The particles are not able to change position. The particles vibrate about fixed position, thus are not entirely stationary. This explains why solids have fixed shapes and volume.
तो जो सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज है उसमें आप फोर पॉइंट्स ये लिख सकते हैं कि वो जो है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे कि आपको बताया था कि मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा जो होते हैं क्लोज टू ईच अदर होते हैं, इसी वजह से उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत स्ट्रांग होती है। आप चाहें तो ये वाला पॉइंट्स ना लिखें कि द पार्टिकल्स आर नॉट एबल टू चेंज पोजिशन, ये भी काफ़ी है कि द पार्टिकल्स वाइब्रेट अबाउट फिक्स पोजिशन, ये लिख सकते हैं। इसके बाद है द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड है फॉलोइंग, अब इसमें देखें जो लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ क्या है, द मॉलिक्यूल्स आर स्लाइटली फर्दर अपार्ट एज कम्पेयर टू द सॉलिड, सॉलिड में देखें इसमें स्लाइटली स्पेस है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, द मॉलिक्यूल्स अकर्ड इन क्लस्टर्स, देयर इज़ अ स्लाइटली लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम्पेयर टू द सॉलिड। और इसके बाद ये कहते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर लेस स्ट्रांग होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड, द पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव अबाउट विद इन द लिक्विड, दीज फीचर एक्सप्लेन वाई लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। अब देखिए इसमें जो है एक गिलास का पानी आप जग में ले सकते हैं, लेकिन जग का पानी जो है वो गिलास में नहीं आएगा, लेकिन पानी अगर गिलास में डालेंगे तो उसी की शक्ल इख्तियार कर लेगा, जग में डालेंगे तो उसी की शक्ल इख्तियार करेगा, क्योंकि लिक्विड में मॉलिक्यूल्स जो होता है वो थोड़ा सा मूव करते हैं, स्लाइटली मूव मोशन होती है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, तो इसीलिए उनका वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन उनकी शेप जो होती है वो फिक्स नहीं होती है। अब उसमें गैस में क्या होता है, द मॉलिक्यूल्स आर वेरी फार अपार्ट, देखिए स्कैटर्ड है ये, तो इसी वजह से जो है इनमें स्कैटर्ड होने की वजह से कि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भी क्या है, नेग्लिजिबल है, और पार्टिकल्स एबल टू मूव फ्रीली रैंडम इन रैंडम डायरेक्शन एट वेरी हाई स्पीड, और द पार्टिकल्स ऑक्यूपाई एनी अवेलेबल स्पेस, यही वजह है कि उमूमन गैस को जो है क्लोज कंटेनर में रखा जाता है। आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में अगर आप उसका कैप हटाएं तो फौरन ही आपको गैस की निकलने की उसकी आवाज़ महसूस होती है। तो आप ये इतने पॉइंट्स हैं इसमें से, एनी फोर पॉइंट्स यू मे राइट इन योर नोटबुक। तो और थ्योरी जो है तीन, और दिस इज द ब्राउनियन मूवमेंट मोशन, ब्राउनियन द रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज नोन एज ब्राउनियन मोशन, ये जो है ब्राउनियन मोशन जो है उसकी रैंडम मोशन जो होती है वो ब्राउनियन मोशन कहलाती है, क्योंकि वो किसी भी डायरेक्शन में नहीं जिगजैग मूव कर रहे होते हैं, तो उसे हम ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। द एविडेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स मोशन डिस्कवर्ड बाय द बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन 1827, ही ऑब्जर्व द इररेगुलर मोशन ऑफ पॉलिन ग्रेन्स सस्पेंडेड इन वाटर एंड डिड्यूस दैट द वाटर मॉलिक्यूल्स वर इन कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन, तो जो इरेगुलर मोशन होता है, जिगजैग मोशन होता है ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो नोन एज ब्राउनियन मोशन। तो यू मे डिफाइन इट, ये भी सवाल कर सकते हैं कि डिफाइन द ब्राउनियन मोशन। तो अब ये तीन चार सवाल हैं, यू राइट इन योर नोटबुक। और इसके अलावा जो है एक लास्ट में जो है बॉयज़ लॉ जो है वो भी आप कर लीजिएगा, डिफाइन द बॉयज लॉ, यहाँ लिखा हुआ है बॉयज लॉ, बॉयज ने जो है रिलेशनशिप दी थी प्रेशर एंड वॉल्यूम की। तो रॉबर्ट बॉयज एन इंग्लिश फिजिशियन एंड केमिस्ट स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर वॉल्यूम, द रिजल्ट ऑफ बॉयज एक्सपेरिमेंट शोन, इसको हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। यहाँ पे ये पूरा आप इक्वेशन दी हुई है, ये भी साथ में लिख सकते हैं, द वॉल्यूम ऑफ फिक्स मास ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, ये पूरा जो है बॉयज लॉ के हवाले से आप लिख सकते हैं विद द डायग्राम। ओके, जो है यू विल डू द क्वेश्चन आंसर एंड एमसीक्यूज एंड न्यूमेरिकल्स इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट योर वर्क इन योर क्लास और इन योर विंटर वेकेशंस ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।